और गगनयान की आज क्रू मॉड्यूल की उड़ान होनी थी जो कुछ देर के लिए टली, लेकिन उसके बाद वापस से उड़ान हो गई। इसके लिए विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है, सुनिए क्या कुछ जानकारी। नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसरो के मिशन गगनयान की। तो अंतरिक्ष में आज फिर से भारत ने एक इतिहास रचा है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल का परीक्षण सफल रहा है। इसरो ने अब से ठीक कुछ वक्त पहले, हमने देखा सुबह 10 बजे का वो वक्त था, एक घंटे पहले क्रू मॉड्यूल को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, जो कि सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। और ये सीधी तस्वीरें, ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इसरो की तरफ से, लगातार लाइव जो पूरा ये सक्सेसफुल मिशन रहा उसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं। और इस टेस्ट को आपको बता दें, इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 भी कहा जा रहा है। दरअसल सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये परीक्षण अंतरिक्ष से लौटने वाले यात्रियों की सुरक्षित वापसी का है कि अगर हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को यहां भेजते हैं तो कैसे सुरक्षित धरती पर उनकी वापसी हो, ये परीक्षण उसी के संबंध में किया गया है। टेस्ट व्हीकल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ले गया और फिर करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई से ये ड्रोन पैराशूट के जरिए नीचे आया। टेस्ट सफल होने के बाद इसरो प्रमुख ने लोगों को बधाई दी, वैज्ञानिकों को बधाई दी। इससे पहले हमने देखा सुबह 9:15 बजे जब इसको लॉन्च होने का वक्त था, तभी लिफ्ट ऑफ में दिक्कत आ गई थी, लेकिन इसरो ने थोड़ी ही देर बाद, करीब 1.25 घंटे बाद, ठीक 10 बजे सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर दिया। और इसरो प्रमुख जो है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से इसरो काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता, साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बना था चांद पे। और दूसरा हमने देखा सन को लेकर जो मिशन था Aditya L1, और आज गगनयान मिशन की जो पहली टेस्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुई है। सुनते हैं इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ क्या कह रहे हैं। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is a speed of sound slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening and touched down on in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल रहा है ये मिशन। कुछ देर पहले हमने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से इस मिशन के बारे में बातचीत की, वो सुनते हैं। संक्षेप में यदि एक वाक्य में कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप इज द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी टुवर्ड्स द गगनयान लॉन्च। तो ये आखिरी अध्याय गगनयान का, आज की टेस्ट फ्लाइट की कामयाबी के उपरांत सीरीज ऑफ इस तरह की टेस्ट फ्लाइट की जाएगी जिसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी, जैसे कि आज क्रू मॉड्यूल की होगी। फाइनली जब हम कामयाब रहेंगे तो एक ह्यूमन मिशन जो पूरी तरह उसको मिमिक करेगा नॉन ह्यूमन स्पेसशिप, और फिर 3-4 महीने पहले रोबोटिक मिशन, उस तरफ हम पढ़ चुके हैं। आज एक नई शुरुआत हुई है टुवर्ड्स दी, सो दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द कल्मिनेशन टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान।